भरतपुर जिले के कामा कस्बे में गया कुंड मोहल्ला निवासी महिलाओं का पेयजल सप्लाई को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों पर महिलाओं का आरोप है कि कामा कस्बे के गया कुंड मोहल्ले में करीब 2 माह से पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। कई बार जलदाय विभाग को अवगत करा दिया गया है, फिर भी कोई भी कर्मचारी सुध लेने नहीं पहुँचा। मोहल्ले में आने वाले पानी के टैंकर मालिकों की मनमानी से भी मोहल्लेवासी परेशान हो चुके हैं। टैंकर मालिक मनमानी से रेट वसूली करते हैं, जिनका 7 से 8 घंटे इंतजार भी करना पड़ता है, जिसको लेकर आज जलदाय विभाग के कर्मचारियों सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। मोहल्ला में 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी आ रही है पानी डंडोर के लिए, बच्चों के लिए, मतलब हर पशु के लिए पानी बिल्कुल नहीं है। और हमने जयन साहब से शिकायत करी थी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, फिर हमने मतलब SDM साहब के पास गए थे। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।